ठीक है बेटा, चलिए सुनिए, एनिमल किंगडम हम लोग पहला पालन स्टार्ट करेंगे, दैट वन इज द पोरीफेरा। बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा, पोरी का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब होता है बियरर, यानी पोर बियरिंग एनिमल्स, पोर बियरर्स, जिनकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, और एक बड़ा छेद होता है, जो छोटे छेद होते हैं उनको ऑस्टियम बोलते हैं। ऑस्टियम का मतलब होता है बेटा माउथ, ठीक ना। और जो बड़े पोर होता है एक, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, समझ में आया बेटा सारे लोग? तो उसके बाद हरियाली है आपको बेटा। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी मेंबर आएंगे बेटा, उनको कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो? स्पॉन्जेस। ठीक है, अब हमको डालना है बेटा जनरल करेक्टरिस्टिक्स, इस फाइलम के अंतर्गत जो भी एनिमल आएंगे उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कॉमन फीचर भी आप लिख सकते हो या जनरल करेक्टरिस्टिक लिख सकते हो। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना बेटा, आ गए सारे लोग? ये लाइन लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस, चलो बहुत बहुत सही, बहुत सही। सुनो बेटा ध्यान से, जनरल करेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे बेटा, वो ये लिखेंगे कि इनका हैबिटेट क्या है। तो नंबर वन पहला पॉइंट, हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये बेटा, ठीक है। तो ये रहते कहाँ हैं? पानी में। तो हैबिटेट इनका क्या होगा बेटा? एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है पानी में, और पानी में भी अगर हम बात करें बेटा तो मोस्टली मैरिन, मोस्टली मैरिन, क्यों? फ्रेश वाटर, जैसे स्पॉन्जिला। पहला पॉइंट लिखिए बेटा। तो पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब कहाँ रहते हैं, तो पता लगा पानी में रहते हैं। पानी दो टाइप का होता है बेटा, ध्यान सुनिए, एक होता है मैरीन वाटर और दूसरा होता है फ्रेश वाटर। समुद्री पानी को छोड़ दीजिए, समुद्री पानी जितना उसको सब मैरीन वाटर बोलते हैं, खारा पानी जिसको बोलते हैं, नमकीन जो लगता है। तो जो खारा पानी होता है, या सर माइक ऑन है किसी का? ओके एक सेकंड बेटा, बाबन हो गया बेटा म्यूट हो गया। चलिए तो देखिए बेटा, जो समंदर का पानी होता है, समंदर वाला जो पानी होता है उसको अब मैरीन वाटर बोलते हैं, उसको छोड़ के जितना भी पानी मिलता है उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, ये नोट करिए। हो गया बेटा? यस। अब जरा सुनिए बेटा ध्यान से, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताओ इनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेलुलर लेवल, तो ये लिखाने की जरूरत नहीं है। यस, उसके बाद अगर इनके हम बॉडी सिमेट्री की बात करें, तो बॉडी सिमेट्री कैसे होते हैं बेटा? तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ये भी लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा बात? वेरी गुड। अब हम इसके बात करेंगे बॉडी फॉर्म की। तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, इनका बॉडी फॉर्म बात करेंगे। ठीक है बेटा, बॉडी फॉर्म नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है बेटा, बॉडी फॉर्म। बॉडी कैसी होती है बेटा? आपके बुक में एक डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है स्पॉन्ज का, जिसको आप बेसिकली साइकॉन बोलते हैं। ये देखिए, बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, इस तरह से। ये देखिए,
और ये कि बड़ा पोर है, तो ये जो छोटे पोर होते हैं बेटा इनको बोलते हैं ऑस्टियम। ऑस्टियम जो होता है बेटा ये सिंगुलर होता है, और ऑस्टिया बोला जाए, ऑस्टिया इसका मतलब सारे पोर्स को एक साथ बोला जा रहा है, तो जो ऑस्टिया वर्ड लिखा मिले इसका मतलब होता है ये प्लूरल, एक साथ सारे छेद को बोला जा रहा है इसको छोड़ के। और ये जो लार्ज पोर होता है इसको बोलते हैं ऑस्कुलम, ऑस्कुलम, ठीक है, ये लार्ज पोर है। और ये कैसे एक्ट एज एनस, एक्ट एज एनस, ये जो होता है बेटा ये स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स एक्ट एज माउथ, ठीक है ना बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट। तो बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते बेटा, इसकी बॉडी को जब हमने कट किया तो देखिए अब बॉडी बेटा इस तरीके से नजर आती है इसकी कट करने पर। ये कार्टून डायग्राम है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये होती है इसकी बॉडी कैविटी जिसको आप स्पंजोसील बोलते हैं, ठीक है। ये माउथ है यानी ऑस्टियम, और ये क्या है ऑस्कुलम। तो बॉडी इस तरीके से डिजाइंड होती है, बना लो बेटा फटाफट। हो गया बेटा, सारे लोगों ने नोट कर लिया। हो गया बच्चों, क्लास हो गया, नोट कर लिया बेटा, मैं डालूं, जल्दी बोलो भाई। यस, वेरी गुड। ये देखा आपने बॉडी फॉर्म, ठीक है ना बेटा। तो बॉडी कैसे रखती है, मैनी माइन्यूट पोर्स, जो माइन्यूट पोर्स होते हैं बेटा आप उनको बोलते हो कि वो माउथ की तरह काम करते हैं। क्यों माउथ की तरह काम करते हैं, अगर बॉडी में कोई चीज इंटर करती, जैसे ये देखिए हमारी बॉडी में अगर कोई चीज इंटर करती तो माउथ के थ्रू ही, तो यानी अगर हम कुछ भी खाते तो ये यहां से खाते हैं और निकलता कहां है, एनस से। आपने अभी भी कहा कि सर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ये माउथ की तरह काम करेंगे और यहां से निकलेगा, तो इनकी बॉडी में यहीं से बेटा वाटर इंटर करता है, यहां से, यहां से वाटर इंटर करेगा, तो इस रास्ते से ऐसे आकर के ऐसे वाटर बाहर निकल जाएगा, ऐसे, समझ गए। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि बताइए अगर फूड पार्टिकल यहां पे रख दिया जाए तो ये अंदर जाएगा या भाग जाएगा, यहां से थ्रोन आउट हो जाएगा। रिप्लाई दो बेटा, थ्रोन आउट, यस, ये क्वेश्चन है, आप करोगे तो आपको मिलेगा। इफ फूड पार्टिकल इज पुट नियर द ऑस्कुलम इट विल बी थ्रोन आउट, ठीक है, यस। चलिए, क्योंकि ये एनएस की तरह काम करता है ना, यस कोमल, यस, वेरी गुड बेटा। चलिए तो ये आपने देखा बॉडी फॉर्म, डाली एडिंग फटाफट बेटा बॉडी वॉल, और नए पेज से डायग्राम बनाइएगा क्योंकि इसी डायग्राम में ही सारी चीजें मैं ऐड करूंगा। नए पेज से और कॉपी को तिरछा कर दीजिए, कॉपी ऐसे होती ना, आप ऐसे करके लिखेगा, ठीक है।
ये कार्टून डायग्राम है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। बस आप चीजों को सीख लें अच्छे से, इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए बेटा आप लोग। बॉडी फॉर्म में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखना बेटा, बॉडी फॉर्म में जो लिखना था मैंने डायग्राम में ही लिख दिया। बॉडी कैसे छोटे छोटे पोर्स रखती है जो कि कहां खुलते हैं, कैनाल्स में जाकर के, बस हो गया बॉडी फॉर्म। लिखना इतना लिखना था तो लिखना था, और लिख सकते हो कि बॉडी हैव मैनी माइन्यूट पोर्स विच एंड कैविटीज, बस हो गया बॉडी फॉर्म, ठीक है ना बेटा। उसमें और ज्यादा कुछ नहीं लिखना था आपको, लिखना होता तो मैं आपको लिखाता, डोंट वरी बेटा, ठीक है। ये जो इतनी थिकनेस है बेटा, इतनी, ये क्या बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। तो आपको हेडिंग डालनी है बेटा बॉडी वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल आपको हेडिंग डालनी है, और ये क्या होता है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, क्यों, क्योंकि दो जर्म लेयर का बना होता है, ठीक है ना बेटा। आउटर जो होगा वो एक्टो पिनाइकोडर्म, पिनाइकोडर्म, जिस वे में हम बना रहे हैं बेटा वैसे ही आपको लिखना है, फॉर्म बाय एक्टोडर्म, और जो इनर है आप उसको बोलते हैं क्वानोडर्म। फॉर्म बाय क्वानोसाइट और कॉलर सेल, कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम,
कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर। सर स्क्रीन ब्लर है, स्क्रीन ब्लर आ रही क्या बेटा? स्क्रीन ब्लर हो रही क्या? अच्छा वन सेकेंड बेटा, वन सेकेंड, ओके ओके। आप क्लियर हुई बेटा? कुछ नहीं, अच्छा वन मोमेंट बेटा। आप दिख रहे नहीं दिख रही बेटा? नहीं दिख रही, बस बता रहा हूं बेटा, आदित्य है ना, एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड रुको बेटा। अब व्यू हुआ बेटा? अब तो हमें लग रहा व्यू हो गया। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा हमें लिखा है बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक में आउटर पिनेकोडर्म होती है, इनर क्वानोडर्म होती है। पिनेकोडर्म फॉर्म बाय एक्टोडर्म, क्वानोडर्म फॉर्म बाय एंडोडर्म। फॉर्म बाय, अच्छा एंडोडर्म बेटा, फॉर्म बाय एंडोडर्म, ये तुमने लिखा ही नहीं। फॉर्म बाय एंडोडर्म लिखना है बेटा आपको। एंड हैव क्वानोसाइट और कॉलर सेल, ये इतना जोड़ना है बेटा आपको। एंड हैव क्वानोसाइट और कॉलर सेल, ठीक है। ये लिखा बेटा कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर। यहां तक क्लियर है सारा कुछ बेटा? स्टैटिक सेल इनर के बाद क्या लिखा हुआ है? इनर लिखा बेटा क्वानोडर्म, CHOANODERM, क्वानोडर्म, ठीक है बेटा। सर कैमरा को सेंटर में रख लो प्लीज, कौन के, एक मिनट बेटा रुको। हो गया बेटा, अब दिख रहा है? अरे भाई आप बताओ बेटा, ऑल इज क्लियर? क्वानोसाइट, क्वानो CHOANOCYT, क्वानोसाइट और कॉलर सेल कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम, ठीक है बेटा। आप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा मेरे, है ना? तो ये तो हो गई बेटा आपकी पिनेकोडर्म, है ना, ये वाली लेयर।
और ये लेयर हो गई आपकी क्वानोडर्म, और ये बीच की जो लेयर है बेटा, इस वाली लेयर को आप बोलते हो मीजो मीजेनकाइम या मीजो हायाल लेयर बोलते हो बेटा, मीजेनकाइम या मीजो हायाल लेयर। आप लोग फटाफट बना लो बेटा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी कुछ नहीं पूछना है आपको, समझने की कोशिश मत करिए, सिर्फ ड्रॉ कर लीजिए एज इट इज जैसे हमने बनाया, आफ्टर दैट हम आपको एक्सप्लेन कर देते, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के बीच जो पाई जाती है लेयर उसको आप बोलते हो मीजेनकाइम और मीजल मीजोहायल लेयर, ठीक है बेटा। ये क्या होती है, नॉन सेलुलर एंड जेली लाइक, हैव मैनी टाइप, हैव एंड नॉन सेलुलर कॉमा जेली लाइक एंड हैव मैनी सेल्स, ये लिख लीजिए, ठीक है। एंड हैव मैनी सेल्स, ये कितना क्यों दिखा रहे हो आप इसको, ठीक है, इसको हटाई देते इधर ताकि लिखने के लिए हमको जगह मिल जाए। ये है बेटा ऑस्कुलम,
ये बेटा मूवमेंट लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना? तुम लोग गालियां तो बहुत दे रहे होगे मुझे, क्यों हैं सर? मैं इसी में फिर, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो ये बेटा ना, बनाने से फायदा ये आपको मिलेगा कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको अलग से लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सब कुछ दिख रहा है, बॉडी वॉल दो लेयर डिप्लोब्लास्टिक के बीच में मीजन काइम है, जेली लाइक लेयर, उसमें बहुत सारी सेल्स हैं। ये बना लीजिए बेटा फटाफट। ये मैं पढ़ दे रहा हूं जो आपको इधर व्यू थोड़ा कम हो रहा है। ये लिखा है मायोसाइट फॉर्म्स सर्कुलर रिंग अराउंड ऑस्कुलम विच कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा बेटा, हाँ बना लीजिए, मैं बताता हूँ फिर आपको, है ना? आप पहले इस साइड का कंप्लीट करिए, इस साइड वाला मैं बोल देता हूँ आपको। हाँ ले सकते हो, क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका फोटो भी खींच के हम ग्रुप में डाल देंगे, डोंट वरी, ठीक है? लेकिन जल्दी करो बेटा आप लोग। ये जो कॉलर सेल लिखा है बेटा, और इसका पॉइंट लिख लो एक दो। कुछ लोगों के पास यहाँ जगह कम मिल रही होगी बेटा, तो अगर जगह कम मिले तो एरो लगा के नंबर ए बी सी डी भी लिख सकते हो, या 1 2 3 भी लिख सकते हो। उस 1 2 3 का नाम काम अलग लिख लो आगे, है ना? उस सेल का नाम और उस काम का नाम, उस सेल का क्या काम है वो भी कर सकते हो आप। इंजेस्ट फूड, सीक्रेट, मीजन काइम, डिफ्रेंशिएट जर्म सेल्स, नोट कर लो बेटा। सर ये याद भी करना है क्या? बिल्कुल सही बेटा, याद नहीं करना होता तो मैं लिखाता क्यों फर्जी? याद करना है बेटा आपको। आपको जो भी डायग्राम वगैरह हम जब बनवाएंगे ना, तो आप उस डायग्राम को अपने माइंड में बिल्कुल प्रिंट कर लो बेटा, ठीक है? क्योंकि डायग्राम ही याद रहते बेटा, ध्यान रखना, लिखी हुई चीजें ज्यादा याद नहीं रहती। डायग्राम को अपने माइंड में आपको प्रिंट करना है। हाँ टेस्ट में सिर्फ बेसिक पॉइंट तक ही आएगा बेटा, डोंट वरी। सर लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? अपलोड हो चुके बेटा, आप लोग देखिए बहुत सारे जेनेसिस क्लासेस करके हैं बेटा, उसमें करिएगा, या कुरुक्षेत्रा क्लासेस, दोनों में से एक चीज डाउनलोड करिएगा, उसमें टाइप करिएगा यूट्यूब पर। और वैसे भी बेटा हम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपके ग्रुप में डाल भी देते हैं आफ्टर द क्लास। तो आपकी मीजन काइम बहुत सारी सेल्स रखती है, वो कौन कौन सी सेल है आपके पास? एक तो जर्म सेल, ये हो गई इंटरस्टीशियल सेल, और ये सेल हो गई ट्रोफोसाइट हो गया बेटा, फीसोसाइट हो गया, कोलेनोसाइट हो गई, स्पंजियोब्लास्ट हो गई, स्क्लेरोब्लास्ट हो गई, ठीक है ना? मेसेनकाइम की सेल कौन सी थी, अंडरलाइन कर बेटा, ध्यान रखना। नोट कर लो बेटा फटाफट। तो डिफरेंट टाइप की सेल्स आपने कहा ना, देखिए हैव मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, तो मनी टाइप ऑफ जो सेल है वो मैंने लिख दिया आपको।
हो गया, एक्सप्लेन करो बेटा। यस, सभी लोगों का हो गया बेटा? नो, कोई नहीं, करो करो जल्दी करो। चलो बेटा एक्सप्लेन करें, मैं इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, डोंट वरी बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप पढ़ रहे हैं बेटा बॉडी वॉल, ध्यान देना बेटा, अब बहुत ही केयरफुल इसको सुनिएगा। तो बॉडी वॉल दो लेयर की बेटा, ध्यान देना, एक लेयर ये रेड वाली दिख रही है आपको, जो कि एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म है, या फिर आप इसको कॉनोडर्म भी बोलते हो, सही मायने में यहां पर आपको कॉनोडर्म ही नाम देना है, ठीक है। जो दूसरी लेयर है ये ब्लैक वाली हमने दिखाई, इसको आप पिनेकोडर्म नाम देते हो। तो दो लेयर की बॉडी वॉल होती है, ये देखिए, इन दोनों लेयर के बीच सैंडविच्ड लेयर एक होती है जिसको आप बोलते हो, वास्तव में इसको लेयर मतलब सेलुलर लेयर एक कॉन्टेक्ट करते हैं। हाँ, वो अलग की बात है कि इसमें सेल्स डिप्ड जरूर है, लेकिन ये सेल्स से कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो दो लेयर, इसलिए आपने कभी जब बेसिक पॉइंट पढ़ा होगा तो याद हो, अगर आपको तो हमें लिखाया था डिप्लोमा सिर्फ एसपी काका ने किया है, डिप्लोमा मतलब डिप्लोब्लास्टिक और एसपी मतलब स्पंजेस, काका मतलब सिलेंटेड और टीनोफोर्स, तो डिप्लोमा मतलब डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल कहां, स्पंजेस में। तो एक लेयर ये, एक लेयर ये, इन दोनों लेयर के बीच एक जेली लाइक लेयर पाई जाती है जिसको आप मेसेनकाइम या मेसोहायल बोलते हो। अगर ये दोनों नहीं नाम दिए हो तो आप मेसोग्लिया, वैसे दिया रहेगा, अगर ना हो तो मेसोग्लिया दे सकते हो नाम, वो हमने यहां लिखा नहीं है। ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, जेली लाइक होती है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा, जब इसमें सेल्स है तो सेलुलर लेयर क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये सेलुलर लेयर की बनी नहीं होती, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, ये सिक्रीशन है इन दोनों लेयर का, और इन दोनों में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये क्वानोसाइट का सिक्रीशन होता है। हाँ, अलग की बात, उसी में कुछ सेल्स डिप्ड हैं, इसलिए सेलुलर लेयर नहीं बोला जाता बेटा। अब देखिए, जो इन, अब इसमें ये जो बीच वाली लेयर, इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। आप देखिए, जो क्वानोडर्म है, यानी जो ये अंदर वाली रेड लेयर है, क्वानोडर्म फॉर्म बाय एंडोडर्म और एंड हैव क्वानोसाइट, तो एंडोडर्म से बनी हुई है, जो किससे बनी है, एंडोडर्म इसको बनाती है क्वानोडर्म को, और क्वानोडर्म बनी किसकी है, क्वानोसाइट या कॉलर सेल से। कॉलर सेल जो है ये कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है इस फाइलम की। इसके काम क्या होते हैं कॉलर सेल की, इंजेस्ट द फूड। एक बात ध्यान देना बेटा, जब वाटर इसके अंदर इंटर करेगा ऐसे, तो इंटर करेगा तो वाटर यहां पहुंचेगा, तो ये देखिए सीलिया है ऐसे लगे हुए, तो पानी फिल्टर होगा इन्हीं सीलिया के द्वारा, तो जो भी खाने वाली चीजें होंगी इसी सीलिया के द्वारा पकड़ ली जाएंगी, और फिर ये सेल क्या करेगी, फूड को इंजेस्ट कर लेगी, इंजेस्ट करने के बाद इसमें डालेगी, मेसोग्लिया सॉरी मेसेनकाइम में फूड आ जाएगा, और मीजन कायम से उसके बाद देखिए आपको कहीं ट्रोफोसाइट सेल हमने लिखा रखी है, ये देखिए ये ट्रोफोसाइट सेल क्या करेगी, फूड को पकड़ेगी, यानी इसे क्वानोसाइट सेल से, और फूड को पकड़ के फिर इस मीजन कायम में घूमेगी, जिस सेल को रिक्वायर्ड होगी वो सेल फूड ले लेगी। समझ में आया बेटा, इतना जल्दी बताइए फटाफट, रिप्लाई दिया करो बेटा फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ सके। यहां तक क्लियर है ना? Yes. उसके बाद देखिए, सिक्रीट मेसेनकाइम, ये जो क्वानोसाइट सेल है ये मेसेनकाइम भी सिक्रीट करती है। नहीं समझ आया क्या अभितेज पटेल, कोई दिक्कत है बेटा, पहल सॉरी, मैंने कहा बेटा जो ये अंदर वाली लेयर है, ये वाली रेड वाली, ये क्वानोसाइट सर, एक कॉलर सेल में एक ही सीलिया होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं कि एक है, बहुत सारी होती, मैंने दिखाया सिर्फ एक है आपको। आप इसको कॉलर सेल क्यों बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिए, देखिए मैंने कॉलर पहन रखी है, देखिए ये देखिए शर्ट पहन रखा है, मैं कॉलर नजर आ रही है, तो ये डिफरेंट नजर आता है यहां से, ऐसा लग रहा है कि कॉलर, ये देखिए कॉलर बनी हुई है यहां पर भी, इस सेल को देखिए यहां पर देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसमें ये देखिए कॉलर लगा हुआ, इसीलिए इसको कॉलर सेल या ठीक है ना फ्लैजिलेटेड सेल बोलते हैं। ये सीलिया नहीं होता बेसिकली बेटा, फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला जनरली सेल में एक ही होता है, ठीक है। आगे बेटा इतना समझ में, तो फूड मतलब जब वाटर इंटर करेगा इसके अंदर, तो वाटर में फूड भी इसका मौजूद होगा, माइक्रोस्कोपिक फूड वगैरह, तो जब इनहेलिंग में
कंफ्यूजन हो रही है। ओके, लेबलिंग में कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूं आपको। बेटा ये बॉडी वॉल लिखा है, ये डिप्लोब्लास्टिक आउटर पिनेकोडर्म PINACODERM फॉर्म बाय एक्टोडर्म मीजेनकाइम और मीजोहायल। पहले मैं इस सारा एक्सप्लेन कर दूं, स्पेलिंग बोल दूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। नॉन सेलुलर जेली लाइक एंड हैव मैनी सेल्स, ये लिखा हुआ है बेटा इंटरस्टीशियल सेल और आर्कियोसाइट सेल और टोटिपोटेंट सेल। इनर कॉनोडर्म फॉर्म्ड बाय एंडोडर्म हैव कॉनोसाइट और कॉलर सेल। कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम, ये लिखा है इंजेस्ट फूड, सीक्रेट मेसेनकाइम, डिफरेंशिएट जर्म सेल। ये लिखा हुआ बेटा कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर, ये लिखा हुआ जर्म सेल, ये लिखा है ऑस्कुलम, ये लिखा है बेटा पिनेकोसाइट PINACOCYTE CELL सेल, फ्लैट होती है ये। ये हमने लिख रखा है बेटा मायोसाइट फॉर्म्स सर्कुलर रिंग अराउंड, ये लिखा है बेटा फॉर्म्स सर्कुलर रिंग अराउंड ऑस्कुलम विच कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर। बेटा ये मूवमेंट थोड़ा नहीं दिख रहा है आपको, है ना, इसलिए मैंने बोल दिया था कि आप लिख लीजिए विच कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखा बेटा ये स्पॉन्जियोब्लास्ट फॉर्म्स स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये लिखा है ऑस्टियम फॉर्म्ड बाय पोरोसाइट सेल ऑफ पिनेकोडर्म। फिर ये लिखा बेटा स्क्लेरोब्लास्ट सेल, ये दो टाइप की होती है कैल्कोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट सेल कैल्केरियस स्पिक्यूल्स बनाएगी, सिलिकोब्लास्ट सेल सिलिसियस स्पिक्यूल्स बनाएगी। ट्रोफोसाइट लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग सेल्स। ये लिखा है थीसोसाइट THESOCYTE थीसोसाइट स्टोर फूड। कोलेनोसाइट फॉर्म्स कोलेजन फाइबर। बेटा अभी कोई दिक्कत है बताओ, लेबलिंग सारी क्लियर हो गई बेटा? वेरी गुड, अब मैं एक्सप्लेन करूं। हाँ प्राची बोलो बेटा, प्राची हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो, ओके, चलिए। तो लेबलिंग आप लोगों की अब क्लियर हो गई होगी, अब जरा ध्यान दीजिए बेटा। तो अभी हम बाहरी सबसे देखिए हम बात कर रहे थे, चलो फिर से एक बार सुन लीजिए। ये देखिए ये है ऑस्कुलम, यहीं से देखिए पानी यहां से एंटर करेगा ऐसे इस तरीके से ऐसे, और ये पानी फिर यहां से निकल जाएगा। तो ये जो स्पेस दिख रहा है बेटा यही स्पेस है स्पंजोशील। आपने भी इसके जस्ट पहले वाले डायग्राम में नाम लिखा था, अगर यहां पर भी कोई डाउट हो तो आप इसको लिख सकते हो यहां पर, दिस वन इज द स्पंजोशील, स्पंजोशील। ठीक है बेटा, अब देखिए ये देखिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ओपनिंग जो है यहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बनाती है मायोसाइट सेल। मायोसाइट सेल इस मेसेनकाइम में पाई जाती है, और मायोसाइट सेल क्या करता है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए स्पंज की ओपनिंग है और यहां पर मायोसाइट सेल क्या करेगी, सर्कुलर रिंग बनाएगी, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी इस तरीके से। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फायदा ये होगा कि इधर से जो भी पानी इंटर करेगा वो कितना निकलना ऐसे ऐसे, यानी पानी ऐसे जैसे मछलियां नहीं अपने मुंह से यहां से पानी इंटर करता ऐसे ऐसे निकालते रहते, वैसे यहां पर भी पानी इधर से इंटर करेगा और फिर इधर से निकलेगा। तो पानी के निकलने ना निकलने के लिए ये भी कंट्रोल करेगा, ठीक है, कॉनोसाइट सेल तो करेगी ही। समझ में आ गया बेटा, दोनों दिया ऑप्शन तो आपको कॉनोसाइट सेल करना होगा। क्लियर, बोलते रहो बेटा फटाफट जल्दी। यस, तो देखिए जो आउटर बॉडी वॉल जो पिनेकोडर्म है, तो पिनेकोडर्म में दो टाइप की सेल होती है, एक तो पिनेकोसाइट होती है और दूसरी होती है आपकी पोरोसाइट सेल। कहां गया ऑस्टियम? ये पोरोसाइट सेल है। तो पिनेकोडर्म में दो टाइप की सेल, और बीच में ये मीजो मेसेनकाइम या मीजो आयल, तो डिफरेंट टाइप की सेल है यहां पर। अब वो डिफरेंट टाइप की सेल सबसे देखिए नंबर वन पे हमने लिख रखा है, ये देखिए मायोसाइट सेल। तो मायोसाइट सेल क्या करना है कि सर्कुलर रिंग, अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी देखिए स्क्लेरोब्लास्ट सेल, ये मेसेनकाइम में पाई जा रही है, ठीक है। ये कैल्कोब्लास्ट, ये दो टाइप की होती है सेल, स्क्लेरोब्लास्ट कैल्कोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट। तो स्पंज दो टाइप के होते हैं कैल्केरियस और सिलिसियस।
तो जो कैलकेरियस स्पंजेस होंगे उनमें स्क्लेरोब्लास्ट का नाम कैल्कोब्लास्ट होगा, और ये कैल्कोब्लास्ट सेल क्या बनाएगी, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। तो ये जो स्पिक्यूल्स होते बेटा देखिए ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, तो ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे। और जो सिलिकोब्लास्ट है वो सिलिसियस स्पंजेस में पाए जाएंगे, और सिलिसियस स्पंजेस में सिलिसियस स्पिक्यूल्स बनाएंगे यानी कांटे जैसे स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ बेटा। ट्रोफोसाइट सेल भी मेसेनकाइम में पाई जाती, तो ये क्या करती है, डेवलपिंग सेल्स जितनी भी होती हैं फूड उनको प्रोवाइड करने का काम करती है। तो जैसे सपोज कर बेटा ये यहां से वाटर इंटर किया, ये देखिए ऐसे, तो यहां जो भी फूड होगा इस फूड को ये कोनोसाइट सेल पकड़ लेगी, तो फूड इसमें जाएगा, इसमें से मेसेनकाइम में, और मेसेनकाइम से ट्रोफोसाइट सेल ले लेगी। स्पिक्यूल्स अभी बताता हूं बेटा, डोंट वेट, थोड़ा सा वेट करो बस दो मिनट, अब इसका फंक्शन बताता हूं। ठीक है, तो ये ट्रोफोसाइट जितना बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले उसको बहुत ध्यान सुनिए, आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो ये पानी एंटर किया, इसमें फूड मौजूद होगा, उस फूड को ये क्वानोसाइट सेल पकड़ेगी, पकड़ करके अंदर धकेलेगी मेसेनकाइम में, मेसेनकाइम से ट्रोफोसाइट सेल ले लेगी, और ये फूड डेवलपिंग सेल्स को प्रोवाइड करेगी पिनेकोडर्म की, क्योंकि इधर तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में सारी सेल होंगी, बट ये वाली सेल भी तो होंगी ना, और जो ये लाइन दिख रही ना इन लाइनों में भी सेल्स पाई जाती है, ठीक है ना, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो प्रोवाइड कराने का काम ट्रोफोसाइट सेल करेगी। अब देखिए एक सेल हमने और बताई है कोलेनोसाइट, कोलेनोसाइट सेल जो है वो कोलेजन फाइबर्स बनाती है। ये देखिए फाइबर्स, ये देखिए दिखाया मैंने, स्पंजिन फाइबर और कोलेजन फाइबर दो टाइप के होते हैं, हमने नाम कहीं लिखा नहीं शायद, स्पंजिन फाइबर आप इसका नाम लिख सकते हो, ये देखिए इनका नाम लिख सकते हो आप स्पंजिन फाइबर, स्पंजिन फाइबर, तो ये फाइबर बनाने का काम करती है। ठीक है, कोलेनोसाइट क्या करेगी, कोलेजन फाइबर बनाएगी जो कि इसी मेसेनकाइम में होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना बेटा, स्पिक्यूल्स, स्पंजिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, ये लोग स्पंज में एंडोस्केलेटन बनाने का काम करेंगे, तो वो अभी मैं पॉइंट नोट में लिखा दूंगा। क्लियर हुआ बेटा। अब अंदर एक ये जो इनर लेयर है उसको आप क्वानोडर्म बोलते हो, और क्वानोडर्म कॉलर सेल से बनी हुई है, कॉलर सेल, इसको इसीलिए कॉलर सेल बोलते हो क्योंकि कॉलर जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप ऐसा लग रहा है कि कॉलर लगा के रखी हुई है, देखिए ये देखिए मैंने अभी समझाया, या इसी बोलते हैं क्वानोसाइट सेल। इसका काम क्या होता है, इंजेस्ट फूड, सिक्रीट मेसेनकाइम, ये जो मेसेनकाइम है यही सिक्रीट करती है, और सेक्स सेल को भी डिफरेंशिएट करती है, वही लिखा हुआ है फूड, इसमें जो वाटर का मूवमेंट है वो भी कंट्रोल करेगा क्वानोसाइट सेल। देखिए आपके मेसेनकाइम में एक सेल हमने लिख रखी है इंटरस्टीशियल सेल और आर्कियोसाइट सेल और टोटिपोटेंट सेल। ये जो आर्कियोसाइट सेल है या टोटिपोटेंट सेल है, या इसी को अमीबोसाइट सेल भी बोलते हैं, वो भी हम नोट में लिखा देंगे बेटा, ठीक है, इसी को अमीबोसाइट सेल भी बोलते हैं। तो आर्कियोसाइट या फिर इंटरस्टीशियल सेल या फिर टोटिपोटेंट सेल या फिर अमीबोसाइट भी बोलते हैं, वो हमने लिखा है नहीं यहां पर, इसी का नाम होता है। तो ये सेल क्या करती है, इस स्पंज की कोई भी सेल अगर डैमेज होगी तो वो ये वाली जो सेल होती है हर टाइप की सेल्स को बनाने की क्षमता रखती है। क्लियर हुआ बेटा। तो हम पढ़ रहे थे बॉडी वॉल इतनी मोटी होती, ठीक है, ये लिखा हुआ है सारा कुछ इसमें। बताओ बेटा किसी को कोई डाउट है यहां तक, इस डायग्राम में कोई डाउट हो तो आप बताओ। सर कैलकेरियस और सिलिसियस में डिफरेंस क्या है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो होते बेटा वो स्पिक्यूल्स मतलब कांटेनुमा स्ट्रक्चर, तो कैलकेरियस होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और जो सिलिसियस होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल बेटा जो होती है वो स्पॉन्जिन फाइबर बनाती है, ये देखिए स्पॉन्जिन फाइबर, इसी तरीके से ये देखा है स्पॉन्जिन फाइबर बना रखा है मैंने, यहीं पर कोलेजन फाइबर भी होंगे, ठीक है। सर कैल्कोब्लास्ट का फंक्शन बता तो रहा हूं बेटा, कैल्कोब्लास्ट सेल जो होती है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स बनाई, ये देखिए कैलकेरियस स्पिक्यूल, और ये कैलकेरियस स्पिक्यूल क्या करेगा बेटा, एंडोस्केलेटन बनाने का काम करेगा, वो भी नोट में लिखा दूंगा बेटा मैं एक पॉइंट। एवरीथिंग इज क्लियर विद दिस डायग्राम, बोलो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ बेटा। यस वेरी गुड प्राची, किसी कोई डाउट तो नहीं है बेटा, जल्दी बताइए। नो एक पॉइंट नोट में लिखिए बेटा, नोट में लिखिए जल्दी जल्दी, मैं इसका फोटो खींच लूं बेटा फिर मैं इसमें, या मैं बोलूंगा तो आप लोग लिख लोगे।
वन अपर में मिटा के लिखूं तो लिखो बेटा एक पॉइंट लिखिए इन स्पॉन्जेस, लिखिए फटाफट बेटा सारे लोग इन स्पॉन्जेस, इन स्पॉन्जेस एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय, इन स्पॉन्जेस एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय स्पंजिन फाइबर्स, एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय स्पंजिन फाइबर्स कॉमा कोलेजन फाइबर्स, ये स्पंजिन फाइबर स्पंजिन फाइबर्स कॉमा कोलेजन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, इन तीनों के द्वारा एंडोस्केलेटन बनाया जाता है, लेकिन अगर तीनों में चूज करना होगा तो आप स्पिक्यूल से चूज करिएगा, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, हो गया, जल्दी बताइए। यस, एक पॉइंट और लिखना है बेटा, नोट में लिख लीजिए, इन स्पॉन्जेस गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आर्कियोसाइट सेल, ये लिखो बेटा आर्कियोसाइट सेल, ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए बेटा नोट में, आर्कियोसाइट सेल इज आल्सो नोन एज अमीबोसाइट, AMOEBOCYTE, आर्कियोसाइट इज आल्सो नोन एज अमीबोसाइट, क्लियर हो गया बेटा सब कुछ, यस वेरी गुड बेटा, तो बस आज का लेक्चर यहीं तक बेटा, आप अपनी नोट्स का पीडीएफ बना के भेजिएगा, किसी को कोई डाउट हो बेटा, अब आप लोगों का एक मैं बायोलॉजी का ग्रुप भी बनवा दूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे उसमें टाइम भी क्लियर निर्धारित कर दूंगा, अभी नहीं बता रहा हूं, जिस दिन बन जाएगा फिर बताऊंगा, ठीक है, पिक अभी इसलिए मिटाला नहीं बेटा, नहीं तो पिक ना खींचनी होती तो मिटा देता, तो मैं आपका एक बायोलॉजी का ग्रुप ही बना दूंगा सबको ऐड करवा के, फिर अपनी प्रॉब्लम्स भी आप उसी ग्रुप में भेजेंगे और अपने नोट्स का पीडीएफ भी उसी उसमें भेजेंगे।